हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इन द क्लास आई वुड डिस्कस फ्यू डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ फोबिया। फोबिया एक्चुअली होता क्या है? फोबिया स्टैंड्स फॉर फियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं डर। काफी सारे लोग पानी से डरते हैं, आग के पास जाने से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, और भी बहुत तरह के डर होते हैं। अब हम इन सारे डर को इंग्लिश में बोलते क्या है, आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। तो लेट जस्ट कमेंस द क्लास क्विकली। फर्स्ट आई हैव निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया किस तरह का डर होता है? निक्टोफोबिया उस तरह का डर है जिन लोगों को इवन रात के समय सोते वक्त भी वो लाइट ऑन करके सोते हैं, मतलब उनको फियर है ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फियर ऑफ डार्कनेस कॉल्ड निक्टोफोबिया। जिन लोगों को रात से, अंधेरे से डर लगता है, उनके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं निक्टोफोबिया। नेक्स्ट आई हैव एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या है? एक्रोफोबिया हमारा वो फियर है जिसमें लोगों को ऊंचाई से, हाइट से डर लगता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फियर ऑफ हाइट्स। लेटर वी हैव एगोराफोबिया। एगोराफोबिया किस तरह का डर है? ये तो वर्ड ही पहली बार सुनते हैं कई लोग। तो एगोराफोबिया का मीन्स जिन लोगों को भीड़ से नफरत है, भीड़ पसंद नहीं है, भीड़ में अगर वो खड़े होते हैं तो उनको लाइक एंजाइटी, घबराहट सी होने लग जाती है। तो वहां पे हम अपना वर्ड एगोराफोबिया यूज कर सकते हैं, मीन्स फियर ऑफ क्राउड। लेटर आई हैव अरेक्नोफोबिया। आई ऑल्सो मेंशनड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं बोलना आ रहा, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज करनी आ रही, तो आप उस वर्ड को तोड़ सकते हैं एंड जस्ट स्पीक द वर्ड विद योर फोनिक साउंड। तो अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया किस तरह का डर है? अरेक्नोफोबिया में हमें या लोगों को इवन स्पाइडर के वेब, मतलब स्पाइडर के जाले से भी डर लगता है। स्पाइडर से तो डर लगता ही लगता है, उसके जाले से भी लोग डर जाते हैं। तो जो लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं उन्हें हम रेक्नोफोबिया कह सकते हैं। रेक्नोफोबिया स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ स्पाइडर इवन ऑफ इट्स वेब, मतलब जाला, मतलब जाला अगर वो देखते हैं तो उससे भी डर जाते हैं। नेक्स्ट आई हैव बैथोफोबिया। बैथोफोबिया ये कौन सा डर है? ये किस तरह का डर हुआ? बैथोफोबिया मीन्स जिन लोगों को गहराई से डर लगता है, मतलब वो ज्यादा डेप्थ को देखते हैं या होते हैं तो डर जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फियर ऑफ डेप्थ। नेक्स्ट आई हैव क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया हमारा वो डर है जिन लोगों को बंद कमरे से डर लगता है, लाइक लिफ्ट। कई लोग तो लिफ्ट को यूज ही नहीं करते, उसके अंदर ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं, उनको डर लगता है, घबराहट होने लग जाती है, वॉमिट काइंड ऑफ फील होती है। तो वो वर्ड हम यूज कर सकते हैं लाइक क्लेस्ट्रोफोबिया, राइट? तो आई कैन से फियर ऑफ क्लोज्ड रूम। इवन कुछ लोग तो बेसमेंट में भी रहना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि वो क्लोस्ट्रोफोबिया होते हैं, इस क्लोस्ट्रोफोबिया, राइट? नेक्स्ट आई हैव एट्रोफोबिया। अब ये एट्रोफोबिया क्या है? एट्रोफोबिया का मतलब होता है जिन लोगों को डॉक्टर के पास जाना नहीं पसंद, मतलब वो डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डर जाते हैं। मतलब अगर उनको बोलो कि डॉक्टर के पास जाना है तो वो बहुत डर जाते हैं, उन्हें डर सा लगने लगता है। तो हम बोल सकते हैं एट्रोफोबिया उन लोगों को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फियर ऑफ विजिटिंग डॉक्टर्स। नेक्स्ट आई हैव गैमोफोबिया। यस, गैमोफोबिया सुनने में आप लोगों को अजीब लगेगा,
बट गैमोफोबिया टर्म उन लोगों के लिए स्टैंड होती है जिनको मैरिज से डर लगता है, शादी करने से डर लगता है। तो उन लोगों के लिए हम अपनी टर्म गैमोफोबिया यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव ज़ेनोफोबिया। ऑलराइट, अब ये ज़ेनोफोबिया क्या है? ज़ेनोफोबिया टर्म स्टैंड्स हू डू नॉट लाइक और हू लाइक गेट स्केयर्ड टू मीट स्ट्रेंजर्स, जिनको स्ट्रेंजर लोगों से मिलने में बहुत डर लगता है, घबराहट से जाते हैं वो, उन्हें हम बोल सकते हैं ज़ेनोफोबिया। तो हेयर आई कैन राइट फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर। नेक्स्ट आई हैव फैस्मोफोबिया। अब ये फैस्मोफोबिया क्या है? फैस्मोफोबिया इज द फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर, जो हम छोटे बच्चों को देते हैं, सो जा भूत आ गया, वहां मत जा भूत है, लाइक दिस। तो हम बोल सकते हैं फियर ऑफ घोस्ट। नेक्स्ट आई हैव एरोफोबिया। एरोफोबिया किस तरह का डर है? एरोफोबिया मीन्स जिन लोगों को हवा से, मतलब फ्लाइट से डर लगता है, लाइक माय मदर, शी इज एरोफोबिया, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फियर ऑफ फ्लाइट्स और एयर यू कैन यूज। नेक्स्ट आई हैव हाइड्रोफोबिया। ये तो आप सबको पता होगा, जिन लोगों को पानी से डर लगता है उनके लिए हम अपनी टर्म हाइड्रोफोबिया यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फियर ऑफ वाटर। लेटर आई हैव नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया क्या है? नेक्रोफोबिया मीन्स जिन लोगों को लाश से डर लगता है, मतलब डेड बॉडीज देख के जो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, एकदम पसीना निकलने लग जाता है, उनको हम बोलते हैं नेक्रोफोबिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फियर ऑफ डेड बॉडीज। सेकेंड लास्ट आई हैव पायरोफोबिया। पायरोफोबिया क्या है? पायरोफोबिया एक ऐसा डर है जिसमें लोगों को आग से डर लगती है। यस, पायरोफोबिया टर्म स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ फायर। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फियर ऑफ फायर, आग से डर लगता है, आग के पास ही नहीं जाते, ठीक है। लास्ट फॉर द डे इज थैनाटोफोबिया। यस, इट्स थैनाटोफोबिया। हम सबको ये फोबिया है, और ये फोबिया होता है मौत का फोबिया, मतलब डेथ का फोबिया, मरने से हम डरते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं थैनाटोफोबिया। तो ये हो गया हमारा फियर ऑफ डेथ। आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू फील कि आपको इनमें से कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो जस्ट फॉलो दिस ट्रिक। फोकस ऑन द फोनिक साउंड एज वेल एज जस्ट डिवाइड द स्पेलिंग। तोड़ के पढ़ो, आधा पहले, फिर बाद में, फिर उनको जोड़ दो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।